मुझे जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी कुछ बातें पता चलने चालू हुई। जैसे एक बार मुझे पता चली कि मेरे जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से बात बोली थी कि अगर बेटी पैदा ना हुई तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। तो मम्मी बोली मेरे हाथ में थोड़ी है कि बेटी होगी या बेटा होगा। तो पापा बोले कि बस तू देख लियो, ऐसे बोल दिया और फिर मैं आ गई। और फिर मैं थोड़ी सा बड़ी हुई तो मेरे ना बड़ी सारी चीजों में इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। मैं बहुत छोटी सी थी, 3rd-4th क्लास में मैंने चेस खेलना चालू कर दिया था। पापा बचपन से ही चेस खिलाने लगे थे और चेस में घर पे खेलते खेलते स्कूल में कंपटीशन होने लगे तो स्कूल में भी खेलना चालू कर दिया। और जब स्कूल में खेलना चालू कर दिया तो बहुत छोटी उम्र में स्टेट लेवल तक जाकर खेली, न्यूज़पेपर में नाम आया। तो सोचा कि अब तो मैं चेस में ही कुछ बड़ा करूंगी जिंदगी में। लेकिन जब थोड़ी और बड़ी हुई तो मैंने दौड़ना चालू कर दिया, मैराथन बड़ी बड़ी। तो सोचा कि अब तो मैं पीटी उषा बनूंगी। फिर थोड़ी बड़ी हुई ना तो मन गया यार हीरोइन बन जाती हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाती हूँ और हीरोइन बन जाती हूँ। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो मन के एयरोस्टेस बन जाती हूँ। तो मन ना बहुत बदल रहे थे क्योंकि ग्रोइंग एज थी और बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, ये कर लू वो कर लू ये कर लू। लेकिन दोस्तों एक बात पक्की थी, मेरे मम्मी पापा जिस चीज में मैं हाथ रखती थी ना हर चीज मेरे को सपोर्ट करते थे। मेरे पापा बोले कि बेटा तेरे को जो करना है तू कर, अगर तू अखबार बेचने वाली भी बने ना तो दुनिया की नंबर 1 अखबार बेचने वाली बन जाएगी। मिन्नत से इतनी मिन्नतों से मुझे मांगा गया है, हर चीज में माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बड़ा करना है जिंदगी में। लेकिन दोस्तों आज से 10 साल पहले जब मोदी के लाइफ में आया था तो पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है सपने, क्योंकि जब आपके पास कोई बहुत बड़ी चीज आती है ना आप जल्दी से उसको पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। ऐसे मैं भी नहीं पकड़ पा रही थी कि कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। बस मेरे पापा का मन रखने के लिए मैंने इस बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। मेरे पापा बोले ऑफिस चल हम लोग ना सामान लेकर आएंगे और वहां से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट और आधार कार्ड भी ले चल। मैंने कहा पापा देखो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, आप किसी कंपनी वम्पनी के चक्कर में पड़ गए हो क्या, मैं नहीं करूंगी आप कर लो। तो पापा ने मेरे को 3-4 बार बोला चल 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 और मैंने 3-4 बार उन्हें बोला पापा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, देखो मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ, बच्चे बहुत मजाक उड़ाएंगे, ये बेकार है, आप मेरे को मत डालो, आपको करना आप कर लो मैं नहीं करूंगी। जब मैंने कॉन्टिन्यूसली मना किया ना पापा नाराज हो गए। अब जब पापा नाराज हो गए तो उनका मन तो रखना ही था, मैंने कहा अच्छा चलो यार। तो वो ऑफिस ले गए, हमने वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, प्रोडक्ट खरीदे तो बहुत अच्छे लगे, मैंने खुद यूज करने चालू करे, फेस वॉश यूज किया, इसको शैम्पू यूज किया, बड़े अच्छे रिजल्ट आने लगे। अपनी सहेली के घर गई एक दिन, वैसे ही जैसे जाती रहती है कॉलेज टाइम में, तो ऐसी सहेली से मिलने चली गई, कह रही बहन तेरा ना चेहरा बड़ा चमक रहा है तूने क्या लगाया। मैंने कहा यार वो पापा है ना वो मोदी केयर शोदी केयर का, वो कोई फेस वॉश किया है मेरे पीछे पड़ गए मोदी केयर कर ले, और मैंने सामान यूज कर सामान तो अच्छा है। कहती मेरे भी मंगवा दी थी क्या। मैंने कहा हाँ बहन बिल्कुल बता। तो कहती कितने का है, मैंने कहा 200 का, मेरे को पड़ा था 150 का। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, उसको जाके फेस वॉश दिया, 200 रुपए उससे लिए, 150 रुपए दिए पापा को, 50 रुपए रखे जेब में, बड़ा मजा आया। सोचा कि जब यूज करके मैंने 50 कमाए, जब मैं सच में जाके आंटियों को बताऊंगी तो फिर तो कितना बढ़िया हो जाएगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, अब मोटिवेशन आ गया। फिर पापा बोले सेमिनार में चल, सेमिनार में गई, ऐसे भरे सेमिनार में आके बैठी, देखा लोगों को गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, बंगला मिल रहा है, विदेश यात्राएं मिल रही है। मैंने कहा अक्षी बेटा अब तो तुझे भी कुछ बड़ा ही करके दिखाना है, यहाँ तो भैया एक से एक बड़ा अचीवर है, तू भी कुछ बहुत बड़ा करेगी। ऐसी हवा ना पैर से चलती हुई पूरे दिलो दिमाग में चढ़ गई हवा, पूरा करंट भर गया, मोदी के जबरदस्त, मोदी के जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप तो जाऊंगी लोगों के पास और जाते ही बस सबको जोड़े आऊंगी मोदी केयर में। और दोस्तों आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने लोगों के पास जाना चालू किया ना, एक एक करके मैं अपनी पड़ोस की आंटी के पास गई, जैसे ही मैं उनके घर में एंटर करी ना तो उन्होंने गेट खोला और उनके हाथ में ना आधार कार्ड था और 10,000 रुपए भी थे। और गेट खोलते ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया, बोली 4 लोनी ले आई, 6 मल्टीविटामिन, 4 कैल्शियम और ऑर्डर बना के दे दिया। ऐसा ही हुआ होगा? नो आपके साथ भी तो होता होगा? नो मेरे साथ भी नहीं हुआ दोस्तों,
फोन ही नहीं उठाया, जो पहले बोलते थे हाँ हम आएंगे, ऐसा आपके साथ भी होता है? मेरे साथ भी हुआ था, कोई टेंशन मत लो। बट जब मैं सिस्टम में आती रही 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 तो मेरी टीम ने भी आके बैठना चालू कर दिया। पहले एक बंदा आया, फिर दो आए, फिर चार आए, फिर दस आए, आज हजारों लोग सिस्टम में जाते हैं क्योंकि मैं सिस्टम में आती रही आती रही आती रही। जब मुझे कोई कहता था ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैं एक मीटिंग और करती थी। जब धूप ज्यादा होती थी मैं एक मीटिंग और करती थी। जब बरसात ज्यादा होती थी मैं एक मीटिंग और करती थी। जब लोग कहते थे ये बेवकूफ बनाने का काम है, मैं एक मीटिंग और करती थी, 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 एक मीटिंग और करती थी। और दोस्तों मेरा बिजनेस बढ़ता चला गया क्योंकि ना करने वाले लोग तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जब मुझे कोई ना करता था मैं एक प्लान और दिखा देती थी, एक प्लान और, एक दिन में चार चार पांच पांच डेमो करती थी। क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने क्या किया, जो मेरी आज सफलता का कारण है दोस्तों वो एक्शन है। अभी हम आपको दिखाएंगे, अभी थोड़ी देर में दिग्विजय जी भी आएंगे, अभी हम दिखाएंगे किस तरीके से हम एक्शन लेते हैं फील्ड में जाकर, वो भी आपको देखने को मिलेगा आज भी। तो दोस्तों बस ये काम करती रही। 1647 रुपए का चेक था, वो बढ़ के 2000 रुपए महीना हुआ, 5000 हुआ, 10000 हुआ, 20000 हुआ, 50000 हुआ महीने का, फिर वो 1 लाख हुआ, फिर वो 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 6 लाख हुआ, 7 लाख हुआ, 8 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 11 लाख हुआ, 12 लाख हुआ। दोस्तों वो बढ़कर आज 13,86,300 रुपए महीने में बदल गया। मोदी केयर से छोटी छोटी सी चार गाड़ियां गिफ्ट में मिली है, 11 लाख की ब्रेजा, 8.5 लाख की होंडा अमेज, 50 लाख की जैगुआर। और अभी अभी 15 जुलाई को समीर मोदी जी खुद आए थे, लगभग 4000 लोगों का हमने इवेंट किया था फरीदाबाद में, वहां पर हमें छोटी सी 85 लाख की मर्सिडीज बेंज गिफ्ट मिली है। दोस्तों छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 1.5-2 करोड़ की गाड़ियां भी लोग अचीव कर चुके हैं, और जब उनकी आ सकती है तो हमारी भी नहीं आ सकती। तो दोस्तों आज सारे के सारे ड्रीम जो है ना वो मोदी केयर से पूरे हो चुके हैं। मैंने वो टाइम भी देखा था जब मेरी माँ 10-10 रुपए रिक्शे के बचाती थी, आज मेरी वही माँ जैगुआर 50 लाख की गाड़ी में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। तो दोस्तों लाइफ आज पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। मेरी सबसे बड़ी कमाई बता दूं, बता दूं, दोस्तों मेरी सबसे बड़ी कमाई बिजनेस की यही है कि मैंने यहाँ से प्यार और रिलेशनशिप कमाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा प्यार कमाया। आपको पता है अगर मेरे फादर आज यहाँ पे स्टेज पे आते हैं, जब भी वो स्टेज पे आते हैं वो बोलते हैं ना काला चश्मा अपने पॉकेट में रखते हैं और स्टेज पे लगाते हैं और बोलते हैं रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव। तो दोस्तों उस चीज की ना फील ही अलग आती है, जो आज प्राउड मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर होते हैं, हमारी टीम को हमारे ऊपर होता है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर मैं बताऊं आपको अपनी कमाई की बात, तो बताना चाहूंगी कि कल जब हम गुजरात एंटर करें आपको हम बता नहीं सकती कैसी भी दिखी। एयरपोर्ट पे इतना हल्ला इतना हल्ला इतना हल्ला हो रहा था, वो गार्ड भी घूम रहे थे, इन लोगों को तो डर नहीं लगता। मैंने कहा भाई तो आज मरेंगे, आज सारे मरेंगे हम लोग। उन्होंने थोड़ी देर में हमें बोला कि आप थोड़ा साइड हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि इतने प्यार से इतना बढ़िया उन्होंने वेलकम करा कल हमारे एयरपोर्ट पे, मैं आपको बता नहीं सकती। फाल्गुनी मैडम कहे कल से ना गाड़ी लेकर घूम रही है, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो ये खा के आते हैं, चलो वो खा के आते हैं। कौन है मेरी, ये मेरी मोदी केयर फैमिली की पार्ट है।
सर ही गलत बात है वैसे, ये ऐसे नहीं, ऐसे ये नहीं बनता था सर। माना आप मुझे बेटी मान रहे हो लेकिन वो बहुत ज्यादा है सर। तो दोस्तों ये कहाँ मिलते हैं आपको, कौन करता है आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पॉसिबल है दोस्तों? तो आप जो प्यार कमाते हो, जो आप रिलेशनशिप इस बिजनेस में कमाते हो ना दोस्तों, उससे बढ़कर यहाँ पर कुछ नहीं है। मेरा साथ दोगे? Yes. साथ